كل هذا الذي يجري في قطاع غزة. يا أعزائهم شهداء، यह है साउथ लेबनान में एक गहरी सुरंग। सुरंग गहरी है लेकिन इतनी चौड़ी, बड़ी और लंबी कि इसमें इंसान तो इंसान पूरे के पूरे ट्रक गुजर रहे हैं। सुरंग के अंदर बाकायदा सड़कें हैं जहां से भारी हथियार एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किए जाते हैं। जमीन के भीतर, बहुत भीतर, एक पूरी दुनिया, और ये दुनिया बनाई है लेबनान के शिया चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला ने। जी हाँ, अपने सबसे बड़े दुश्मन इसराइल से मुकाबला करने के लिए बरसों से तैयारी कर रहा है हिजबुल्ला। और साल 2006 के बाद अब वो वक्त आ गया है जब हिजबुल्ला और इसराइल जंग में हैं। इसराइल ने साउथ लेबनान पर पेजर अटैक किया जिसमें हिजबुल्ला के कई लड़ाके मारे गए और बहुत बड़ी तादाद में जख्मी हो गए। इसके बाद से बौखलाए संगठन हिजबुल्ला ने नॉर्थ इसराइल पर रॉकेटों की झड़ी लगा दी। फिर इसराइल ने भी लेबनान की राजधानी बेरूत सहित साउथ लेबनान के कई शहरों और गांवों पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। अब इसराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF हिजबुल्ला के खिलाफ जमीनी लड़ाई में उतरने की तैयारी कर रही है। लेकिन अगर इसराइली फौजी गजा की तरह लेबनान में घुसते हैं तो उनका सामना हिजबुल्ला की खतरनाक अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी से होगा, जहां हिजबुल्ला के खतरनाक लड़ाके उनका इंतजार कर रहे होंगे। ये सुरंगें गजा की तरह सकरी नहीं बल्कि इतनी बड़ी हैं कि अपने आप में एक पूरा शहर है। कहा जा रहा है कि इन सुरंगों से अत्याधुनिक मिसाइलें लॉन्च करने की व्यवस्था भी हिजबुल्ला के लड़ाकों ने कर रखी है, जो आसमान में उड़ते इसराइली जहाजों पर कहर बनकर टूटेंगी। पिछले दिनों हिजबुल्ला ने इन सुरंगों की झलक मंजरे आम पर दिखाई थी जिसमें मिसाइलों से लदे ट्रक चलते नजर आ रहे थे। इन मिसाइल लॉन्चर ट्रकों से सुरंग के मुंह पर मिसाइल लगाते भी दिखाया गया था। कहा जाता है कि साउथ लेबनान में हिजबुल्ला ने ऐसी सैकड़ों सुरंगों का जाल बना रखा है जिसमें मिसाइलों और दीगर हथियारों का जखीरा है। आरोप लगता है कि ईरान हिजबुल्ला को हथियारों से लेकर ट्रेनिंग तक फराहम कराता है। यही वजह है कि इसराइल के लिए गजा में हमास की तुलना में लेबनान के हिजबुल्ला से निपटना इतना आसान नहीं रहने वाला। कहा जाता है कि हिजबुल्ला के लड़ाके गुरिल्ला जंग में माहिर हैं। वो अपनी बनाई इन सुरंगों के अंदर बिना नजर आए मूवमेंट कर सकते हैं और घात लगाकर हमले कर सकते हैं। हो सकता है हिजबुल्ला अपनी सुरंगों के दम पर इसराइली फोर्स को चूहे बिल्ली के खेल में उलझा कर रख दे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हिजबुल्ला पूरी कोशिश करेगा कि वो इसराइल को उकसा कर मीलों लंबी सुरंगों के पास लाए और बुरी तरह घेर कर गुरिल्ला जंग में उलझा दे। देखना होगा IDF इन सुरंगों का क्या तोड़ निकालती है।